आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और मरने वालों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं लॉकडाउन की वजह से अब सुधार भी आ रहा है। बता दें कि असम के शिवसागर का ऐतिहासिक शिवदौल, जो पूरे देश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहां पर पवित्र श्रावण मास में इस बार कोविड-19 महामारी के कारण भक्तों को जलाभिषेक, कांवड़, बेलपत्र, पानी आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी, केवल दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन आज से वह भी बंद हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक शिवदौल परिसर में कार्यरत कर्मचारी संजीव दास कोविड-19 संक्रमित पाया गया था। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पूरे परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सभी लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा परिसर में रहने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। आज शिवदौल प्रांगण तो तीनटा दल आज शिवदौल, विष्णुदौल, देवीदौल कन्टेनमेंट जोन हल। यार कारण हल आम एज कर्मचारी संजीव दास, सब टेस्ट करजिटिव ऊलाले और आम हल कि आम एज कार्यनिर्वाह सदस्य अश्विनी चेतिया देवर देहघटन घटिले तहतर मृतदेह आम स्थान आनी आम श्रद्धाजलि जानसो। तार पचते आम स्वास्थ्य विभागे आम अनुरोध जाना जो आम सब टेस्ट कर लगे, तो आम प्रथम खेप प्रथम पर्यात आम सत मानु हूँ, आम कर्मचारी आम सदस्य सकते गई आम सब टेस्ट करालों। तार छजनों आम निगेटिव आज कि संजीव दास कल विलि पजिटिव आज और पजिटिव अहर पास जिला प्रशासन और স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক নির্দেশ দিলে যে এই কনটেইনমেন্ট জোন।